नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हो मैक नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। पिछले वीडियोस में मैं चर्चा कर रहा हूँ कि इनको टर्म्स क्या है, यानी कि इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स क्या है। उसका दूसरा नाम है टर्म्स ऑफ डिलीवरी। तो उसी श्रृंखला को या उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक एक पर्टिकुलर इनको टर्म्स के रिगार्डिंग में वीडियोस बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है कॉस्ट एंड फ्रेट। तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा एलेबोरेट कंप्यूटर स्क्रीन पे कर पाऊंगा, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हेलो फ्रेंड्स, तो हम चर्चा कर रहे थे इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स के रिगार्डिंग। तो पूरा मैंने बेसिक्स तो आपको बताया हुआ है, हालांकि मैं इस वीडियो में फिर से मैं थोड़ा बहुत बेसिक्स बता देता हूँ। इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स क्या है, इसे टर्म्स ऑफ डिलीवरी भी कहा जाता है, किसने बनाया है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बनाया है, क्यों बनाया है, ताकि ट्रेड डिस्प्यूट ना हो, और किस लिए बनाया है कि भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क कहाँ तक हैं सेलर या एक्सपोर्टर के, और कहाँ से स्टार्ट होंगे बायर या इंपोर्टर के। तो उसके रिगार्डिंग ये पूरा इनकोटर्म्स बना हुआ है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कॉस्ट एंड फ्रेट की। कॉस्ट एंड फ्रेट में क्या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है छुपी हुई, आज इस वीडियो में हम वो पूरी ओपन करेंगे और देखेंगे कि पर्टिकुलर क्या है और सीखेंगे कुछ नया। अगर जो आप ही को ऐसे ही कुछ वीडियोस चाहिए या आप चाहते हो कि वो मैं वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, ताकि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वर्क करके आपके सामने ऐसे वीडियोस लाता रहूं एडुकेशनल पर्पस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कॉस्ट एंड फ्रेट। कॉस्ट एंड फ्रेट तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एक इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म है, इंटरनेशनल ट्रेड में यूज किया जाता है, ट्रेड डिस्प्यूट नहीं होता, बार बार मैं रिपीट करना नहीं चाहता। सी इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट में ज्यादा करके ये पर्टिकुलर इनको टर्म यूज किया जाता है। डिलीवरी पॉइंट डिफाइन करता है कि भाई किस हद तक या किस पॉइंट तक सेलर या एक्सपोर्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क या कॉस्ट बियर करना है, रिस्क कॉस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सब चीजें, ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक इनकोटर्म में। इस पर्टिकुलर इनकोटर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर एक इनकोटर्म में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी देखते हैं कि की हाईलाइट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। आइडियली ज्यादा करके ये बल्क कार्गोज में और नॉन कंटेनराइज कार्गो में यूज किया जाता है। हालांकि अभी के सिनेरियो की बात करूं तो कंटेनराइज कार्गो में भी CFR टर्म यूज किया जाता है, FAS यूज नहीं करते। हालांकि FAS पहले यूज किया जाता था, बट अभी FAS की जगह पे CFR यूज किया जाता है, यानी कि CNF यूज किया जाता है। तो सेलर या एक्सपोर्टर को क्या पे करना है, ओशन फ्रेट पे करना है डेस्टिनेशन तक। ये पॉइंट तक उसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी या ये कॉस्ट बियर करनी है। रिस्क की मैं बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, वो थोड़ा एक डाइसी है। चलिए देखते हैं रिस्क कहां से स्टार्ट होगी, बायर की या इंपोर्टर की। तो रिस्क जो है बायर की ऑनबोर्ड हो जाएगा असल में सामान, उसके बाद की रिस्क जो है ट्रांसफर हो जाएगी किसको, बायर को। यानी कि मरीन इंश्योरेंस की बात करूं, जब भी वो लोड हुआ वेसल में, उससे लेके डेस्टिनेशन तक जो भी मरीन इंश्योरेंस होगा उसकी रिस्क किसकी होगी, बायर की होगी। इस पर्टिकुलर इनकोटर्म में वही चीज यहाँ पे मेंशन कर देते हैं।
एक्सपोर्ट के क्लियरेंस में शिपर का काम क्या है, यानी कि एक्सपोर्टर का काम क्या है, फैक्ट्री से उठाएगा सर्टिफिकेट, मीन्स ओरिजिन्स जो भी है, सर्टिफिकेट्स जो भी हैं उनके, वो सब कुछ क्लियरेंस वेलियरेंस करवा के फ्रेट कॉस्ट बेयर करेगा, वेसल में चढ़ाएगा, उसके बाद उसके हाथ ऊँचे हो जाएंगे, उसके बाद किसके रिस्क कहाँ हो जाएगा भाई, मरीन इंश्योरेंस कौन करवाएगा, बायर करवाएगा, अनलोडिंग चार्ज वहाँ का कौन बेयर करेगा, बायर बेयर करेगा। चलिए देखते हैं, अभी ये सब चीज़ मैं बोल रहा हूँ, हालांकि आपको समझ में आ ही रहा होगा, बट फिर भी हम डिटेल में इसका विवरण करते हैं। एक्सपोर्ट फैक्ट्री से सामान निकलेगा, एक्सपोर्ट पैकेजिंग होके कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन करके, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, इंडियन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसकी हुई, सेलर की हुई या एक्सपोर्टर की हुई, फिर जाएगा कहाँ जाएगा, एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट प्रीमाइसेस या कस्टम प्रीमाइसेस में पहुँचेगा, वहाँ पे क्लियरेंस का काम किया जाएगा, एक्सपोर्ट की ड्यूटीज भरी जाएगी, टैक्सेस भरे जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, वो कंसाइनमेंट क्लियरेंस हो के वो टर्मिनल तक जाएगा, यानी कि टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस कौन बेयर करेगा, एक्सपोर्टर बेयर करेगा या सेलर बेयर करेगा। देखना यहाँ पे मैं अगर से कुछ भूल भी रहा हूँ तो शायद गलती से मैं सेलर और एक्सपोर्टर मिक्स ना कर दूँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा डाइसी है। चलिए फिर क्या है, लोड करने के भी चार्जेस कौन बेयर करेगा, यहाँ पे एक्सपोर्टर या सेलर बेयर करेगा। लोड करने के बाद यहाँ पे रिस्क जो है ट्रांसफर हो जाएगा इधर बायर की तरफ, यानी कि लोड हो गया उसके बाद रिस्क कहाँ ट्रांसफर हो गया, बायर की तरफ। हालांकि कॉस्ट जो होगी कहाँ तक, डेस्टिनेशन तक, वो कौन बेयर करने वाला है, एक्सपोर्टर या सेलर। ओके, जो मरीन इंश्योरेंस होगा लोडिंग करने के बाद वो बायर का एक्सपेंस होगा या बायर का कॉस्ट में आएगा, यानी कि बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। फिर वहां पे अनलोडिंग करवाएगा, डेस्टिनेशन में पहुंच गया गुड्स तो अनलोडिंग करवाएगा कार्गो की, अनलोडिंग करवाने के बाद फिर से वो ट्रांसपोर्टेशन पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज से फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेगा, तो वहां पे भी किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी और कॉस्ट और रिस्क इन्वॉल्व रहेगा, बायर का रहेगा। फिर वो इम्पोर्ट का क्लियरेंस करवाएगा तो वो भी किसकी कॉस्ट रहेगी, बायर की रहेगी। फिर इम्पोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस पे करेगा, उसके बाद उसको पोजेशन मिल जाएगा गुड्स का, तो वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करके उस गुड्स को अपने फैक्ट्री लेके आएगा। तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो होता है जब भी कोई इम्पोर्ट का या एक्सपोर्ट का प्रोसेस करता है, तो बेसिक चंक ये है, हमें उसमें ये आइडेंटिफाई करना है पर्टिकुलर इस इनकोटर्म्स के तहत कि भाई सेलर या एक्सपोर्टर की डिलीवरी पॉइंट जो है वो कहाँ तक है, मीन्स कहने का मतलब कि रेस्पॉन्सिबिलिटी या कॉस्ट या रिस्क के एस्पेक्ट से कहाँ तक होगी। तो यही मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिसमें क्या मैं पर्टिकुलर एक इनकोटर्म की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है CFR या कॉस्ट एंड फ्रेट, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आप चर्चा की। तो उसमें मैं फिर से एक बार थोड़ा आगे में डायग्राम है उसमें थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं आगे का डायग्राम। हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि कॉस्ट एंड फ्रेट में डिलीवरी पॉइंट ऑफ कॉस्ट, रिस्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी कब ट्रांसफर होती है फ्रॉम एक्सपोर्टर या सेलर से बायर या इम्पोर्टर को। तो देखिए यहां से लेके यहां तक जो है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो किसका होगा, सेलर का होगा। किसका होगा, सेलर का होगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होगा वो सेलर का होगा, बट यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि ये जो कैरेज है यहां से लेके यहां तक का जो कैरेज है या ओशन फ्रेट है
वो कौन बेयर करेगा? सेलर बेयर करेगा, क्योंकि ये कॉस्ट एंड फ्रेट है. क्या है? कॉस्ट एंड फ्रेट है. क्या है? कॉस्ट एंड फ्रेट है. तो इसीलिए यहाँ पे ये सेलर बेयर करेगा. ये वाला सिनेरियो आप समझ गए. ऑनबोर्ड करवाने तक की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? सेलर या एक्सपोर्टर की रहेगी. उसके बाद रिस्क जो है ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास? बायर के पास. तो रिस्क जो है इधर से लेके इधर तक किसका है? बायर का रहेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद. अभी कॉस्ट की बात करते हैं, तो कॉस्ट में क्या होगा? कॉस्ट जो है सेलर की यहां से स्टार्ट होगी, यहां तक उसको कॉस्ट बेयर करनी है. कहां तक बेयर करनी है? इस पर्टिकुलर पॉइंट तक वो कॉस्ट बेयर करेगा, यानी कि ओशन फ्रेट भी इस पर्टिकुलर कॉस्ट तक सेलर या एक्सपोर्टर बेयर करेगा. हालांकि यहां पे कॉस्ट की बात कर रहा हूं, अभी तक मैं रिस्क फैक्टर पे नहीं आया हूं. तो चलिए रिस्क फैक्टर की बात करते हैं. अभी रिस्क फैक्टर की बात करूं तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो रिस्क होगा, इस पर्टिकुलर एरिया में जो रिस्क होगा, यानी कि कुछ डैमेज हो जाए गुड्स, क्योंकि यहां पे देखो सेलर ने तो यहां पे ऑनबोर्ड करवा के रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी और यहां तक कि उसने कॉस्ट भर दी, बट यहां पे रिस्क तो रहेगा ना बीच में अगर ये कुछ हो गया कार्गो को. तो वो रिस्क कौन बेयर करने वाला है? बायर बेयर करेगा. उसे क्या कहते हैं हम? इंश्योरेंस. क्या कहेंगे हम? इंश्योरेंस जो होगा वो कौन बेयर करेगा? कौन बेयर करेगा? इंश्योरेंस जो होगा वो बायर बेयर करेगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो में. तो यही चीज मुझे आपको समझानी थी कि भाई कॉस्ट जो है सेलर बेयर करेगा डेस्टिनेशन तक, बट उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है? ऑनबोर्ड करवाने तक. रिस्क जो है ऑनबोर्ड से बायर तक किसका रहेगा? बायर का रहेगा. उसमें क्या आता है कि भाई फ्रेट तो चार्जेस डेस्टिनेशन तक पे किए हुए हैं, बट ऑनबोर्ड से लेके डेस्टिनेशन तक जो इंश्योरेंस रहेगा उसमें भी वो बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी या उसकी कॉस्ट भी बायर बेयर करेगा. होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंटल देन कीप वॉचिंग माई चैनल. और हाँ, अगर जो प्लीज कुछ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए, ताकि मुझसे उससे मैं कुछ एनकरेज होता हूँ और ऐसे ही नए नए वीडियोज बना के आपके सामने पेश करता रहूँगा. सो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए. बाय बाय.